हाउ टू प्रमोट क्लिक बैंक एफिलियट प्रोडक्ट्स, किस तरह जो है आप लोग क्लिक बैंक एफिलियट के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोगों को वेबसाइट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को कोई स्पेंड नहीं करनी, आप लोगों को कोई जो है कुछ भी परचेज नहीं करना, कोई राइटिंग वगैरह नहीं करनी, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसकी प्रोडक्ट जो है एफिलियट मार्केटिंग प्रमोट कर सकते हैं। क्लिक बैंक की प्रोडक्ट कौन सी चूज करनी है, कैसे चूज करनी है, कौन सी प्रोडक्ट उठानी है, ये सारा प्रोसेस जो है हम लोग आज की वीडियो में करने वाले हैं, प्रैक्टिकली करेंगे। उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं हूं कजाफी और आप देख रहे हैं द डिजिटल नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लिक बैंक इस वक्त बहुत बड़ा नेटवर्क है, अमेजोन से बनिस्बत कम है, लेकिन ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इसलिए है क्योंकि इस पर जो है आप लोगों को वो प्रोडक्ट की कॉस्ट मेंशन कर देते हैं कि आप लोग जो है जो इस प्रोडक्ट को अगर प्रमोट करेंगे तो हम आपको इस कितनी कॉस्ट देंगे, हर प्रोडक्ट का समझे कमीशन उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब Amazon और इसमें सबसे बिगेस्ट डिफरेंस तो यही था, Amazon का ये था कि Amazon आप लोगों को कहता है कि आप लोग अगर इस निश के प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे ऑब्वियसली वो आपको परसेंटेज पर देता है, लेकिन क्लिक बैंक में ऐसा कोई सीन नहीं है। क्लिक बैंक आपको कहता है कि मैं आपको हर प्रोडक्ट की अलग कमीशन दूंगा एंड आपको हर प्रोडक्ट का कमीशन भी वो शो कर रहा होता है, आप लोगों को उससे पूछने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है। तो क्लिक बैंक तो है इजीली जो है हम लोग इसके प्रोडक्ट्स वगैरह कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ फेस होती है, प्रॉब्लम वहां पर फेस होती है कि आप लोग जो है इस पर अकाउंट नहीं बना सकते। पाकिस्तान में ये अवेलेबल था 2000 तकरीबन 18 तक तो अवेलेबल था, 18 के बाद आई थिंक या 19 में इन्होंने मेल कर दी थी, ये मे बी पहले भी हो लेकिन मेरा जो है पाकिस्तान में पहले से ही चल रहा था। आई थिंक 2019 के स्टार्ट में या 18 के एंड में उन्होंने मुझे मेल की कि आपका अकाउंट हम डिसेबल कर रहे हैं, आपके कंट्री में अलाउड नहीं है। सो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम फेस हुई कि क्लिक बैंक का अकाउंट उनसे क्रिएट नहीं हुआ, तो फिर उनके लिए मैंने एक सीरीज प्रिपेयर की। सीरीज आप लोगों को भी शो हो रही होगी कि क्लिक बैंक एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, इसकी प्रोडक्ट्स वगैरह किस तरह जो इसका अकाउंट किस तरह बनाएंगे, इसका अकाउंट जो है प्रोडक्ट कौन से चूज करेंगे, कंटेंट राइटिंग कैसे करेंगे, वेबसाइट कैसे बनाएंगे, ये सारे डिस्कशन मैंने क्लिक बैंक की ऑलरेडी सीरीज में की हुई है, आप लोग वो भी देख सकते हैं एंड वहां से काफी कुछ जो है आप लोग एक्सपीरियंस भी हासिल कर सकते हैं। एंड मेरी इस प्लेलिस्ट को देखने का आपको ये फायदा मिलेगा कि आप लोग जो है इसकी सर्विसेज भी जो है फाइवर पर प्रोवाइड कर सकते हैं, सो आपके लिए बहुत बेस्ट जाएगी। ओके, सो फिर इसके बाद मैंने दोबारा लोगों को काफी प्रॉब्लम फेस हुई कि उनका जो है क्लिक बैंक अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ, जो मैंने मेथड बताया था उन्होंने कुछ मिस्टेक्स की थी, वो मिस्टेक्स मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड किया, आप लोगों को भी शो हो रही है उसका, उसमें मैंने ये बताया कि आपका अकाउंट क्यों नहीं अप्रूव हो रहा या अगर अप्रूव नहीं हो रहा तो कैसे अप्रूव करवा सकते हैं। मैंने आपको सारे पॉसिबल सॉल्यूशन दिए हैं जिनके थ्रू मैंने भी अकाउंट बनाया है एंड जिनके थ्रू मेरा अकाउंट भी चल रहा है। सो मेरे वही बेस्ट मेथड जो मैंने आपको बताया वो लाजमी देखेंगे, क्योंकि बगैर क्लिक बैंक अकाउंट के मुझे नहीं लगता कि आप लोग क्लिक बैंक की कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर पाएंगे। सो अकाउंट बहुत नेसेसरी है, इसके लिए कंपलसरी है आपके लिए कि सबसे पहले आप लोग अकाउंट की वीडियो देखें, अकाउंट की वीडियो देखने के बाद अकाउंट बनाए। बहुत ही कमाल का नेटवर्क है, मैं कहता हूँ हर प्रोडक्ट पर जो है इसका अलग अलग कमीशन है, इतना अच्छा कमीशन है एंड हम जिस मेथड से आप प्रमोट करने वाले हैं वो बिल्कुल टोटली फ्री होने वाला है। मैं आप लोगों को सारी चीजें पॉसिबल करके दिखाने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह जो है प्रोडक्ट्स वगैरह का ट्रेंड चेक करेंगे एंड प्रोडक्ट्स वगैरह की जो है आप लोग आगे किस तरह सेटअप करेंगे एंड किस तरह जो है फ्रीली सेल लाएंगे। इसके सेल्स लाने के बहुत सारे मेथड होते हैं, चाहे आपकी एफिलिएट मार्केटिंग की साइट है या ब्लॉगिंग की साइट है या किसी भी चीज की साइट है, सेल्स इजीली लाए जा सकते हैं, लेकिन इनके मेथड डिफरेंट है, हर मेथड का अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। एसईओ की अपनी स्ट्रेटजी होती है, एसईओ के थ्रू गूगल पर वेबसाइट को रैंक किया जाता है, इसी तरह पेड एडवर्टाइजिंग की भी होती है स्ट्रेटजीज, की सेल्स वगैरह की कन्वर्जन वगैरह की, इस तरह की अलग स्ट्रेटजीज होती हैं। और जो आज का फ्री मेथड है वो मेथड है जी जो मैं आपको बताने वाला हूँ एंड हम लोग चलते हैं जी लैपटॉप की तरफ और देखते हैं ये सारा मेथड। एंड अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम फेस होती है ऑब्वियसली आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑलवेज, अगर आप लोगों को अभी भी प्रॉब्लम फेस होती है तो आप लोग वो बाकी आज की इस फ्री मेथड में आप लोगों को हार्डवर्क करना पड़ेगा। आप मैं ये नहीं बताने वाला कि बस यहाँ से लिंक उठाएंगे और यहाँ पे लिंक जो है उसको दे देंगे आपको सेल्स आती रहेंगी, ये वो ऐसा मुमकिन नहीं है, आपको हार्डवर्क हर जगह करना पड़ता है एंड इस पर भी करना पड़ेगा। आप लोगों को जो है इवेंट में खासतौर पर इवेंट्स आते हैं उनमें उन टाइप्स के प्रोडक्ट जैसे कि क्रिसमस का इवेंट्स आ गया, क्रिसमस के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना वो तब बहुत तकरीबन जो है गोल्ड डेज होते हैं क्लिक बैंक मार्केटर्स के लिए या फिर जो है अमेजोन मार्केटर्स के लिए, सो वो अलग बात होती है, लेकिन हम जो है एज ए नॉर्मल डेज में किस तरह एंड कौन से प्रोडक्ट चूज करें एंड उनको किस तरह प्रमोट करें और वो भी फ्री में, तो उसके लिए आ जाते हैं लैपटॉप की तरफ। सो गाइज जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की तरफ और ये है जी हमारा यूट्यूब का चैनल। अगर तो आप इस पर नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली कोई भी वीडियो आप लोग उसे इजिली देख सकें। एंड मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ कि मेरी कौन सी प्लेलिस्ट है।
तो जी वो पड़ी है, ये पड़ी है प्लेलिस्ट है जिसमें तकरीबन 9 वीडियोस हैं क्लिक बैंक एफिलिएट मार्केटिंग की। आपको मैंने टोटली सारी स्ट्रेटजीज जो है आप लोगों को बता दी हैं एंड आप लोग इसी को ही फॉलो कर लें, बहुत बेहतर रहेगा। एंड बाकी जिस वीडियो की मैं अकाउंट अप्रूवल की बात कर रहा था वो मैंने रिसेंटली बनाई है, आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश कहीं भी आप लोग रह रहे हैं और आप कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं, किन मिस्टेक्स को जो है आप लोगों को फेस करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें मैंने इनमें बता दी हैं, आप लोगों को देख सकते हैं। बाकी आ जाते हैं क्लिक बैंक की तरफ और ये है जी हमारा, अब ये वही अकाउंट है जो मैंने जो है इस प्लेलिस्ट में क्रिएट किया है इस वाले में। सो मेरे पास इट वर्क्स फाइन फॉर मी। So let's go in the market and next you need to open trends.google.com कि हमें जो है प्रोडक्ट्स वगैरह का ट्रेंड देखना है। फिडीली मेथड है लेकिन थोड़ा हार्ड वर्क है। ओके कंपटीशन वाली में नहीं जाना, जैसे स्पोर्ट्स हो गया ये कंपटीशन है इसमें बहुत, लेकिन ये वो SEO में देखा जाता है। सो सॉरी ये SEO में मैं आ गया हूँ कि SEO के लिए जाहिर बात है आपको वो प्रोडक्ट्स यूज करनी पड़ती हैं जिनका कोई कंपटीशन नहीं होता, लेकिन इसमें तो आप लोग जो है बस ट्रेंड चेक करें और बस बढ़ते जाएं। अब जैसा कि हेल्थ एंड फिटनेस में आ जाते हैं इनमें देखते हैं कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा जी बेली फैट है, फ्लैट बेली एंड डेंटिटॉक्स यूनिक डेंटल स्प्रे एंड डायबिटीज फ्रीडम एंड ये देख रहे हैं कमीशन आपको नजर आ रहा है, एवरेज कमीशन 162, चाहे प्रोडक्ट्स इतने की हो ना हो लेकिन कमीशन आपको वो देंगे। इसको प्रमोट करेंगे 135, इसको प्रमोट करेंगे $28 आपको मिलेंगे एंड इसको प्रमोट करेंगे $47 आपको पर प्रोडक्ट मिलेंगे। कस्टम की जो डाइट हो गया जैसा कि इसको प्रमोट करेंगे आपको $52.86 आपको जो है वो देते हैं। सो यही बात मुझे क्लिक बैंक की बहुत अच्छी लगती है कि वो हर प्रोडक्ट पर जो है आप लोगों को कमीशन देता है। सो अब जो है हम वन बाय वन कीटो डाइट प्लान चेक करेंगे या ट्रेंड्स पर जो है कुछ भी लाइक रिलेटेड टू इधर हम लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स की कर देते हैं या वर्ल्ड वाइड कर देते हैं ताकि ऑब्वियसली हमारे पास जो है, लेकिन मोस्टली हम लोग जो है अगर USA की तरफ जाएं जो टॉप बायर कंट्री है इधर लिखते हैं कीटो डाइट, कीटो डाइट एंड लेट्स सी पास्ट 12 मंथ में अच्छा खासा नॉर्मली है, अच्छा खासा नहीं कह सकते, पास्ट 5 days 5 years में अगर करें तो इट्स गुड अप डाउन। अगर कीटो डाइट के अलावा जो है जस्ट हम इनका प्लान होता है डाइट पर, तो ऑब्वियसली डाइट पर तकरीबन 100 जो है ट्रेंड्स होना चाहिए होगा, बल्कि क्योंकि हर किसी को ऑब्वियसली हेल्दी लाइफ के लिए डाइट वगैरह पर जाना पड़ता है। सो हम इसको एज एग्जांपल अगर ले लें, फॉर एग्जांपल ये मेरी प्रोडक्ट एंड में से चाहता हूँ प्रमोट कर रहा हूँ, आप भी ऐसी रिसर्च करेंगे कि आप लोग 2 से 3 प्रोडक्ट्स को देखेंगे, कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट कर दें, हम लोग जो है इस पर फ्रीली मेथड यूज करने वाले हैं एंड वो मेथड है जी सोशल मीडिया मार्केटिंग का। सो सोशल मीडिया मार्केटिंग पर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट जो है प्रमोट करेंगे, सो आप लोगों ने सबसे पहले जो है, और ये फ्री है, मैंने आपको नहीं कहा कि कोई वेबसाइट परचेज करें, मैंने आपको नहीं कहा कि कोई कॉन्टेंट वगैरह परचेज करें, नो, सो जस्ट गो विद फ्री एंड नाउ पेल्विक फ्लोर स्ट्रॉन्ग एंड स्टील बाइट प्रो एंड मैं ब्यूटी की निश पाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी की निश में है जी लिफ्ट फैक्टर प्लस एंड बॉल लेग्स नो मोर, ओके ये सारे जो है बस। इसमें भी अगर मैं ना आना चाहूँ होम एंड गार्डन में आता हूँ तो होम एंड गार्डन का ये सीन है, ज्वाइन और क्लिक बैंक एक्सपर्ट्स टेड्स वुडवर्किंग माई शेड प्लान्स एंड कमीशन पर नहीं जाएंगे। कमीशन अगर कम भी होगा प्रोडक्ट आपको अच्छी लगे तो यार अगर सेल्स ज्यादा आ जाए प्राइस कम मिल जाए तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, ये लालच नहीं करेंगे आप लोगों ने कि जिस प्रोडक्ट पर 100 से ऊपर कमीशन मिलेगा मैं उस पर जाऊंगा, नहीं मैं आप देख रहे हैं मैं आप कमीशन नहीं देख रहा किसी, मैं सिर्फ नाम पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि क्या मेरी लोग जो है मेरी ऑडियंस या जिसको मैं प्रमोट करूंगा जिस प्लेटफॉर्म पर क्या वो अट्रैक्टिव भी होंगे इस चीज को पढ़ने के लिए। सो कैट Spraying no more, brand new with the, ठीक है, secrets to dog training, जैसे ये हो गया इस वक्त तकरीबन ये ट्रेंडिंग जाएगा और मैं इसी को ही प्रमोट करने, प्रमोट पे क्लिक करेंगे वो आपको होप लिंक्स दे देंगे एंड
अकाउंट नेम देना पड़ेगा, अकाउंट निक नेम है जी जीरा, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद ये आ गया निक नेम और जनरेट ऑपरेंस, ठीक है। ये हमारा लिंक है जिसको हमने प्रमोट करना है एंड इसको कर देते हैं हम क्लोज और हम आ जाते हैं। अब आपको लोगों को कुछ चीज बताता हूं। वो चीज ये है कि अगर आप इस लिंक को डायरेक्टली प्रमोट करते हैं, लाइक जो अभी हमने हॉप लिंक जनरेट किया एंड आप लोग इसे धड़ाधड़ ट्विटर पे, फेसबुक पे, पिंटरेस्ट पे कहीं भी ऐड किए जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। अकाउंट उसी वक्त वो आपका सस्पेंड कर। अगर आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म चलें, लॉन्ग टर्म जो है अपना लिंक प्रमोट करने, ऑब्वियसली आपको अपने लिंक को थोड़ा सा कन्वर्ट करना है। वो कन्वर्ट भी फ्री में करना है, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। आप लोगों ने आ जाना है sites.google.com पर, ठीक है। इस पर आएंगे, ओ नो इस पर अकाउंट रिक्वायर है। यार मेरी ये वीडियो पड़ी है, मैं आप लोगों इस वीडियो में आप लोगों को मजीद डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ये कहां गई, ये वाली भी पड़ी है, ये जो डिजिस्टोर की वीडियो है ना, इसमें मैंने ये आप लोगों को बताया। ये भी बेस्ट है आपके लिए क्योंकि ये प्लेटफॉर्म भी आप लोगों को जो है पर प्रोडक्ट सेल्स पर आप लोगों को कमीशन देता है। आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर भी टेस्ट कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म की प्रोडक्ट्स एंड निशेज इसकी भी रिसर्च कर सकते हैं। आप लोग इस वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक मेथड बताया है। वो मेथड ये है कि आप लोग किस तरह जो है वेबसाइट क्रिएट करेंगे, वो भी फ्री में। प्लेटफॉर्म यूज करने हैं जैसे sites.google.com हो गया, wordpress.com हो गया एंड जो है, ठीक है, ये डिजिस्टोर की आप लोग देखेंगे, बहुत ही कमाल सेम क्लिक बैंक की तरह ये नेटवर्क है। सो आप लोग इसे भी फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए ये तरीका बता रहा हूं और ये देखिए ये sites.google.com खुला हुआ है। ये देखें ये sites.google.com खुला हुआ है एंड ये मैंने आपको बताया कि वेबसाइट किस तरह बनाते हैं, जिसे लैंडिंग पेज भी कहा जाता है, कि लैंडिंग पेज आप लोग किस तरह क्रिएट करेंगे। और ये जो हाईलाइट हुआ हुआ है, लाइक जो अंडरलाइन हुआ हुआ है, क्लिक द ग्रीन बटन, इसका मतलब ये है कि इसमें जो है मेरा लिंक लगा हुआ है और वो ये लिंक लगा हुआ है वो यही होप लिंक से जो हमने अभी जनरेट किया है। सो आप लोगों को जो होप लिंक मिलेगा वो आप लोगों ने ऐसी sites.google इस वीडियो को भी देख लेंगे अगर आपको थोड़ी सी जहमत कर लेंगे ताकि आपको इस वीडियो से टाइम सेव हो, तो इस वीडियो को देख लेंगे, डिजिस्टोर से भी फायदा उठा लेंगे। एंड इस वीडियो में मैंने पूरा बताया कि वेब सिर्फ आपने चेंज करना है तो यहां पर मैंने डिजिस्टोर का लिंक लगाया लैंडिंग पेज में एंड आप अपना होप लिंक्स लगाएंगे, होप लिंक्स अपना ये क्लिक बैंक होगा, फिर इसको पब्लिश कर देंगे, ये पब्लिश का बटन खड़ा होगा एंड आपको ये जो sites.google.com का जो लिंक मिलेगा ना, हमने इसे प्रमोट करना है। इससे ये फायदा होगा कि सोशल मीडिया पर हमारा बैन नहीं आएगा एंड हमारा जो है तकरीबन लिंक भी सेव रहेगा, स्पैम में भी नहीं जाएगा एंड जो है यूजर इसे बहुत अट्रैक्शन लेता है कि जब आप डायरेक्टली लिंक प्रमोट करते हैं वो यही समझता है कि वो डायरेक्टली क्लिक बैक का लिंक तो नहीं आया। ये देखिए अगर मैं आपको लिंक का लिंक दिखाऊं तो लिंक इस तरह का है 1bf99.hope.clickbank, तो मुश्किल ही ट्रस्ट करके वो लिंक करते हैं। तो जब आप लोग sites.google.com के थ्रू जाएंगे, कोई एटलीस्ट पढ़ने के लिए भी आ जाता है कि यार आखिर इसने ऐसी कौन सी ऑफर दी है एंड इस वीडियो में गौर करेंगे, मैंने आपको ट्रिक दिया है कि किस तरह जो है आप लोग लिखेंगे अपना उसमें। आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल अब बना ली, ये भी सोशल गैप प्लेटफॉर्म, ये भी बहुत अच्छा। अब आप लोगों ने वेबसाइट बना ली, गूगल पर साइट्स पर पब्लिश कर दिया, आप अब इसने लिंक को कहां कहां प्रमोट करना है। सबसे पहले हम आ जाते हैं फेसबुक पर, facebook.com पर आप लोगों ने आ जाना है एंड मुश्किल ही खुला होगा इस पर, ठीक है। सबसे पहला नेटवर्क है हमारा फेसबुक का। आप फेसबुक की स्ट्रेटेजी सुनेंगे, आपके पास एक प्रोफाइल हो, एक प्रोफाइल, अब ये इस तरह मतलब कि आप लोगों ने काम करना है, जैसे आप लोगों को डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं, वो कहते हैं कि ये टाइम ये करना ये। अब मैं आपको सिक्योर स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि फेसबुक पर किस तरह जो है बगैर अकाउंट सस्पेंड के अपना लिंक प्रमोट करेंगे। आप लोग सबसे पहले जो है कोशिश करेंगे डेली अच्छे अच्छे ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे जो आपकी निश के रिलेटेड हो। लाइक मैंने जो प्रोडक्ट उठाई वो डॉग्स के रिलेटेड थी, एनिमल्स के रिलेटेड थी एंड जो डॉग लवर्स हैं उनके मैं ग्रुप्स ज्वाइन करूंगा एंड उनके ग्रुप्स ज्वाइन करने के बाद जो है उस वक्त पोस्ट नहीं करूंगा, वेट करूंगा एटलीस्ट 24 आवर्स तक। 24 आवर्स के बाद एक दो ग्रुप्स की जो है मैं उस वक्त जो है एक दो ग्रुप्स को ओपन करके उनमें जो है पोस्ट वगैरह देखूंगा,
बहुत से लोगों ने प्रॉब्लम जो है अपनी पोस्ट की हुई होती है कि मेरा डॉग जो है खाना ये पसंद नहीं कर रहा, मेरे डॉग्स को ये प्रॉब्लम है ये वो, तो वहां पर आप लोग एक दो कमेंट कर सकते हैं। पोस्ट अलाउ नहीं होगी क्योंकि मे बी एडमिन्स ने पहले चेक करेंगे पोस्ट पर पब्लिश करके कि अगर तो पोस्ट मॉडरेटर या रिव्यू में नहीं जा रही तो आप लोग पोस्ट भी कर सकते हैं, वो ठीक है। सेकंड बेस्ट मेथड ये है कि कमेंट करेंगे उनकी पोस्ट पर जो है, एक तो ये मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर, वो है जी ट्विटर का। ट्विटर पर सिर्फ आपने हैशटैग लगा के डॉग सर्च कर लेना है, बस डॉग्स या डॉग्स लवर जो जो भी आपको बेस्ट लगे, जो जिसकी जिस चीज की भी आपकी, जैसे डाइट हो गया, कीटो डाइट हो गया, जो है आपके पास कोई भी डाइट प्लान हो गया, आपके पास फिटनेस प्लान है, तो उस तरह का हैशटैग यूज करके आप लोगों को जो भी जो है पोस्ट शो होती है ना, उनमें एटलीस्ट एक मतलब आप लोग 3 से 4 बार जो है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर रीट्वीट करेंगे एंड कमेंट करेंगे। ये हो गया ट्विटर की स्ट्रेटजी। फेसबुक कवर हो गया, ट्विटर पर जो है 4-5 से 1 टाइम से ज्यादा नहीं करेंगे, फिर हाँ बेशक आप लोग 3-4 आवर्स बाद आ जाएं, सेम इसी फेसबुक पर अगले दिन ही आएंगे। फेसबुक पर बहुत सिक्योर है, फेसबुक पर आप लोग एक दिन में बार बार नहीं कमेंट कर सकते, लेकिन ट्विटर पर 3 से 4 आवर्स बाद दोबारा वापस आएंगे, फिर न्यू ट्वीट्स फाइंड करेंगे एंड उनमें जो है अपना आप लोग जो है अपना लिंक जो है वो उनको ट्वीट में करेंगे। फिर अब मूव हो जाते हैं हम लोग इंस्टा पर। इंस्टा भी बहुत सिक्योर है, बहुत सिक्योर है, लेकिन अगर हम स्ट्रेटजी के साथ चलें तो हमारे लिए बहुत बेस्ट रहेगा। आप लोग इंस्टा पर जो है इमेज पर कमेंट कर सकते हैं। आप लोग जैसे फॉर एग्जांपल कोई अपने डॉग्स के साथ पिक्चर भेजता है, कोई क्योंकि हैशटैग ही यूज़ करेंगे हर प्लेटफॉर्म पर, सो हर डॉग लवर या हर डॉग के रिलेटेड जो है आप लोगों को वो वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। एंड इसके बाद स्ट्रेटजी आ जाती है पिंट्रस्ट की, जो कि मुझे बहुत पसंद है क्योंकि पिंट्रस्ट पर जो है बहुत अच्छा मार्केटिंग का लेवल जाता है। पिंट्रस्ट पर हम लोग एक एक पोस्ट की एसईओ के साथ जो है पोस्ट कर सकते हैं। एंड पिंट्रस्ट की स्ट्रेटजी के लिए जनाब साहब आपके लिए वीडियो बनी पड़ी है, 2-3 वीडियोज हैं, प्लेलिस्ट पिंट्रस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये जो पिंट्रस्ट की वीडियो ये लाजमी देखेंगे, इसमें मैंने आपको ऐसी टेक्निक्स बताई हैं जो कि अभी भी वर्कफुल हैं एंड आप लोग अपने ही अकाउंट पर इतनी ट्रैफिक ले सकते हैं कि ना कि आपको जरूरत पड़ेगी कि दूसरे किसी अकाउंट्स में कमेंट करें। आप लोग जस्ट यहाँ पर डॉग्स की पिक्चर, जो मैंने आपको जो भी प्रोडक्ट चूज करेंगे उसकी पिक्चर उठाएंगे एंड उनकी पिक्चर जो है आपको लाइव इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं बार बार एक चीज क्रिएट नहीं कर सकता, मैं आप लोगों को जस्ट गाइड दे रहा हूँ कि आप लोग जो है इन इन चीजों को, मैं क्योंकि जो मेरी वीडियोज जिन जिन मेथड्स पर बनी हुई है मैं आप लोगों को उन मेथड्स, चाहे मेरी चीज डिफरेंट है लेकिन मेथड मेरे एक दो जो सोशल मीडिया के हैं वो यही चल रहे हैं अब तक एंड मैं इन्हें को अब तक फॉलो करता हूँ। पिंट्रस्ट की वीडियो देखकर अपने पिंट्रस्ट के प्रोडक्ट को इस तरह करके प्रमोट करेंगे, बहुत फायदा होगा। अब आप लोगों को मैंने 4 से 5 प्लेटफॉर्म बता दिए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर और गैप बताया है। गैप की स्ट्रेटजी भी आप लोग देखेंगे, गैप इस वक्त कोई सिक्योर नहीं है, गैप बिल्कुल फ्रीली प्लेटफॉर्म है जिसकी स्ट्रेटजी मैंने जो है आप लोगों को उसमें बताई है डिजी स्टोर वाले वीडियो में। सो गैप के बाद आप लोग ऑब्वियसली पिंट्रस्ट पर मूव हो जाएंगे एंड यार आप लोग यहाँ से फ्री ट्रैफिक ले सकते हैं, मत जाएं एसईओ की तरफ। एसईओ 3 से 4 महीने बोली जाए कि आपको कोई ट्रैफिक मिलती भी है या नहीं। सेकेंड, आपको एसईओ में बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं, गूगल के मुताबिक साइट चलानी पड़ती है, गूगल के मुताबिक अपनी साइट पर काम करना पड़ता है। थर्ड, आप लोग एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते, आप लोगों के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आते ही आप लोग जो है बैठ जाएं कि मैं एडवर्टाइजमेंट कर लूं, मैं ये कर लूं, एड्स ला लूं, साइट बना लूं। फोर्थ, आप लोग कोई टीम नहीं हायर कर सकते, कोई हायर नहीं कर सकते, सोशल मीडिया हायर नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पास जीरो इन्वेस्टमेंट है, तो आपके लिए यही द वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। और वो मेथड यही है कि आप लोग फ्री ट्रैफिक लेंगे, फ्री सोशल मीडिया की ट्रैफिक लेंगे, एंगेजिंग वगैरह करेंगे एंड आप लोग जो है जितना हो सकेगा अपने पोस्ट को, अपने कमेंट्स को बूस्ट करेंगे एंड इस तरह करके आप लोग क्लिक बैंक से अर्न कर सकते हैं। नो मैटर आप लोग कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, चाहे आप लोग डिजी स्टोर का करें, चाहे आप लोग अमेजोन के प्रोडक्ट की क्यों ना प्रमोट कर दें, अमेजोन का कोई एक अच्छा सा लैपटॉप उठा लें जिसकी प्राइस तकरीबन 1000 से 1500 के दरमियान हो एंड वो उसका आपको अच्छा खासा $30 से $50 पर सेल का कमीशन दे सकता है। सो आप लोग वो कर सकते हैं। अमेजोन के अलावा डिजी स्टोर की प्रोडक्ट्स वगैरह को प्रमोट कर सकते हैं, क्लिक बैंक के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं और जितने भी एफिलिएट प्लेटफॉर्म है उनको फॉलो करके कर सकते हैं, लेकिन मैंने जिन पर काम किया ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, एफिलिएट मार्केटिंग अमेजोन की भी है, क्लिक बैंक की भी है, मेक मनी ऑनलाइन विदाउट एनी स्किल, फाइवर, सारा कुछ जो है, ये जो कवरेज है आप लोग ये भी लाजमी देखा करें एंड इस तरह जाकर आप लोग जो है रियल एंड बेस्ट वे से अर्निंग कर सकते हैं एंड यही अच्छा मेथड है। एंड वो कोई बाकी उन वीडियोस को उन मेथड्स को छोड़ ही दें कि बस जो कहेंगे यहाँ पे क्लिक करें इतनी अर्निंग होगी, यहाँ पे क्लिक करें इतनी अर्निंग होगी, ये वो, बस ये फजूल है, आपका टाइम जाया कर रहे हैं, आपका इवन कि इंटरनेट के MB तक जाया कर रहे हैं।
सो अगर काम की वीडियो होगी तो लेजिट वर्क आपको एंड आपको हार्ड वर्क करने के लिए बताया जाएगा। सो सेम लाइक एज आई सेड, सो आप लोग अगर फॉलो करना चाहें तो बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो यार एटलीस्ट इनको शेयर कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, मेरा चैनल मुझे भी प्रमोट करें, मुझे भी मौका दें कि मैं आपके लिए मजीद ऐसी अच्छी अच्छी अपनी टेक्निक्स लेकर आऊँ एंड आप लोगों को लाइव दिखाऊँ। सो ये आप पर डिपेंड करता है। मैं अब आप लोग देख रहे हैं मेरी रेगुलर वीडियोस नहीं आ रही, लाइक वीक में एक दो आ रही हैं। अगर मैं रेगुलर तब आऊंगा जब मुझे भी एटलीस्ट कोई शो होगा कि मेरी ऑडियंस जो है मुझे मेरा साथ दे रही है एंड मेरे जो है चैनल्स वगैरह प्रमोट करती है। सो देन आई विल मूव बैक टू द रेगुलर बेस कि मैं जो है आप लोगों की रेगुलर वीडियोस बनाऊंगा। एंड अभी तो बहुत सी स्ट्रेटजीज पड़ी हैं भाई मेरे पास, इस वक्त जो है इतने अच्छे सीपीए के नेटवर्क हैं जिनकी मुझे अच्छी टेक्निक्स पता है मेरे पास, और मजीद जेवीजो एफिलिएट मार्केटिंग है एंड उसके बाद एक और प्लेटफॉर्म है वेरियर प्लस की, उसकी भी अच्छी अच्छी टेक्निक्स पड़ी हैं, उनकी भी प्लेलिस्ट बन सकती है, ड्रॉप शिपिंग की, एसईओ की, फाइवर की मजीद अपडेट प्लेलिस्ट। सो मैं तभी बनाऊंगा जब आप लोग मुझे जो है मुझे मेरी तरफ मुझे भी सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को भी सपोर्ट करेंगे एंड मुझे शेयर्स वगैरह देंगे। सो तभी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, अदरवाइज आप लोगों को यही छोटे मोटे मेथड लेकर, ये भी आपके सामने काफी जो है काफी अच्छे मेथड्स आपको बता रहा हूँ जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी ने बताया हो, किसी ने बताया भी हो तो एक वीडियो में कवर नहीं करेगा वो। सो बाकी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को बाकी मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली कोई भी वीडियो आप लोग उसे इजीली देख सकें।